हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। इंडिया में अगर आप कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं या अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सेंटर का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं अगर आपका इंटरव्यू है, तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सेशन उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डेली नॉलेज गेन करना चाहते हैं, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, एक दो घंटा एक अच्छे न्यूज़पेपर है उनको नहीं मिल पाता है, तो हम लोग यहां पे जो है वो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 5th of July, तो हम लोग दो दिन का करंट अफेयर है जो कि कवर करेंगे। जैसे कि एक तो 4th का कल संडे था ना, तो कल का और आज का दो दिन का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। संडे के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग जो है संडे को भी नहीं छोड़ते, जो भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती है सबको कवर करते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप घर बैठे अच्छा सेशन चाहते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करना, तो आप इस सेशन को 2-3 महीने रेगुलर देखिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। हम इस सेशन में करते क्या है, सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और कुछ महत्वपूर्ण सवाल आज के हैं जो कि होते हैं। तो मैंने आपको सैटरडे को कोई सवाल नहीं दिए थे, तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन तो आज अपने पास है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली दोस्तों न्यूज़पेपर से और अनअकैडमी से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अगर आपको घर बैठे इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है 30+ एग्जाम में से, तो आप अनअकैडमी प्लस की सहायता ले सकते हैं। वहां पे डिस्काउंट के लिए आपसे रेफरल कोड पूछते हैं, तो आप BHU10 या BHU10 लगा सकते हैं, जिससे आपको 10% का ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ये आप UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ओके, कंप्लीट PDF इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गोल है, UPSC, IIT, GATE, SSC प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने सिलेक्ट करके BHU10 है जो कि आप नीचे लगा सकते हैं। EMI के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी अगर आपको पसंद है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है फाउंडेशन बैच में, तो आप SSC में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का आपको फ्री मिलता है। साथ में इंडिया करंट अफेयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आज भी एक और नया वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आपके घर के अंदर, अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड में, अगर आप में से कोई जॉब करता है, तो एक 500 रुपीज पर मंथ में आप एक बच्चे के एजुकेशन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको बच्चे की अवेलेबल करवा दी जाएगी, आप smileforallsociety.org से कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका किसी की लाइफ है जो कि बना सकता है, एक ऐसा बच्चा जो कि रोड साइड पे रैक पिकिंग करता है। आज से कोड ऑफ डे की बात करें तो मोहित के द्वारा भेजा गया है, कभी हार मत मानो, अगर थॉमस एडिसन, अगर आपको मालूम है 10,000 टाइम्स बार नाकामयाब होने के बाद में भी हार मान लेते, तो आज बल्ब है जो कि नहीं होता। तो गाइस, बिल्कुल सही बात बोली है मोहित के द्वारा कि आपको मालूम है थॉमस एडिसन ने दोस्तों 1,000 टाइम जो है वो कई बार कई सारे मॉडल है जो कि बनाए थे बल्ब को लेकर, लेकिन वो हमेशा अनसक्सेसफुल है जो कि रहे थे। थॉमस एडिसन अपने स्कूलिंग के अंदर भी दोस्तों बहुत ज्यादा वीक थे, 2 बार उन्होंने जॉब करी, वहां से निकाल दिया गया क्योंकि बहुत ही अनप्रोडक्टिव थे। फाइनली उनको समझ में आया कि वो इस काम के लिए नहीं बने, वो कुछ अलग काम के लिए बने हैं। कई बार, हजारों टाइम्स, ये उनका खुद का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बताया था 10,000 बार या 9999 वाला जो ये लॉजिक है, ये तो खैर नॉर्मली बोला जाता है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ टाइम उन्होंने इसकी चीज का ट्राई किया था। तो देखिए, बात सिंपल सी है, अगर आपके घर में, अगर आपके फैमिली के द्वारा आपको 2 साल मिलते हैं प्रिपरेशन के, 3 साल मिलते हैं, 1 साल मिलता है, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको पूरी तरीके से अपना 100% देने की कोशिश करें। फेल हो रहे हो अगर आप उस टाइम के अंदर, तो लोड ना लें, अगली बार फिर से ट्राई करें, सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत करते जाइए। और अगर नहीं भी हुआ तो जीवन में आप अपनी एक अच्छी चीज खोज लोगे, वो है मेहनत। तो वही मेहनत अगर आप कहीं और भी करोगे, अगर आप अपनी जो भी पसंद की इंडस्ट्री आपकी काम है वहां पर, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं संडे के द हिंदू की तरफ। संडे के द हिंदू की बात करें तो फाइनली दोस्तों जो Trial 3 है ना, उसके रिजल्ट है जो कि आ चुके हैं, उसके बारे में यहां पे बात किया गया है। किसके Trial 3 के? कोवैक्सिन के। तो कोवैक्सिन के Trial 3 के बाद में क्या इसका सारांश निकला है वो बात करेंगे इसके अंदर। ओके, पुष्कर जी को, पुष्कर सिंह जो धामी जी है, 2 टाइम MLA है दोस्तों, तो इनको उत्तराखंड के नए CM बना दिया गया, ये तो हम बात कर चुके थे वैसे भी कल के सैटरडे के न्यूज़पेपर में भी। राफेल डील के बारे में बात करेंगे, ये इसके बारे में भी बात करेंगे।
26 साल बाद में दोस्तों केरला बस ड्राइवर को रिलीफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट से मिली है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। राजस्थान में भी दोस्तों डेथ है जो कि छुपाई है, बहुत कम बताई है। यहाँ पे टूरिज्म वापस से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। मनाली की जो माल रोड है तो देख सकते हो आप, काफी ट्रैफिक धीरे धीरे यहाँ पे हो गया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के 8 लाख रुपए के अमृतसर रेसिडेंस के बिल है जो कि अनपेड पड़े हैं, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी है जो कि देखने को मिले। तो ये फ्रंट पेज था संडे का। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये वाली न्यूज है, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने सैटरडे को पब्लिसाइज किया लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट। कौन से लॉन्ग अवेटेड रिजल्ट? कोवैक्सीन के। तो ट्रायल 3 के अंदर जो है जिसमें 25,800 वॉलंटियर्स थे और उसके अंदर दोस्तों पूरे देश के 25 हॉस्पिटल में इसके ट्रायल्स है जो कि करे गए थे, ठीक है। इंडियन ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में इन्होंने किया और यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हो आप इसका पूरा यहाँ पे डेटा कि जो अगर आपके सिम्टोमेटिक COVID-19 है, अगर आपकी बॉडी में पता लग रहा है कि आपके COVID-19 हो चुका है तो 77% है जो कि ये इफिशियंसी इसकी बताई गई है, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपके है ना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो गई है तो 93% जो है ये आपको बचा लेगी। अगर 18 से 59 की बात करें तो 80% के समवेयर और 60 से ऊपर के लोगों के ऊपर ये 67% है जो कि इफिशियंट है। और अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है यानी कि जिसकी बॉडी में पता ही नहीं चल रहा है कोविड का, तो उसके 63% है जो कि बताया गया है। समझ गए मेरी बात। और कोविड शील्ड के जो यहाँ पे ट्रायल 3 के रिजल्ट आए थे उसमें 70% था, 70.8, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो 70% तो थी आपकी एस्ट्राजेनेका की जो कोविड शील्ड थी उसकी, तो उससे बेहतर है जो कि रिजल्ट यहाँ पे कोवैक्सीन में बताए गए हैं। तो ये रिजल्ट जो है, हालांकि अभी जो ये पेपर पब्लिश कर रहे हैं ना, इनको प्री प्रिंट करना बाकी है, यानी कि एक बार रिव्यू करना बाकी है। लेकिन हालांकि जो इनके द्वारा बताया गया रिजल्ट वो यह बताया गया, लेकिन अभी इसके ऊपर फाइनल ड्राफ्ट है जो कि इसका बनेगा। ओके गाइज, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 2 डोज कोवैक्सीन का जो है 93% इफेक्टिव है, जो कि सीवियर डिजीज अगर किसी के होता है तो बताया गया, जैसे कि मैंने आपको ये वाली कैटेगरी में बताया है, है ना। देखो सिम्टोमेटिक तो चलो कोई बात नहीं, सीवियर अगर किसी के बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में तभी कितना काम करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी खासी 93% काम कर रही है, अगर आपने लगाई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, बस कोवैक्सीन में यह है कि उसको अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब फॉरेन जाने के लिए, लेकिन मिल जाएगा अप्रूवल, भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कौन से कल परसों में विदेश जाने वाले हो, है ना। नेक्स्ट आपको मालूम भी है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पुष्कर सिंह जी के बारे में, 2 बार MLA और यंगेस्ट CM है जो कि UK के यानी कि उत्तराखंड के बने हैं, 45 ईयर के हैं और पार्टी से कॉलेज के टाइम से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की बात करें 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, यूपी से कटके बना, देहरादून कैपिटल, गारसेन भी कैपिटल है ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा अगर 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है और डेंसिटी की बात करें तो 80% लिटरेसी रेट, 963 सेक्स रेशो, विधानसभा की 71, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 13 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इस टेम्पल्स बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सारे आप सभी को मालूम ही है। लेक की बात करें तो रूपकुंड लेक बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में जितने भी ताल है, भीमताल हो, नैनीताल हो, जितने भी सत्ताल हो, ताल सारे यहीं पर ही है। रिवर्स आपको बहुत सारी रिवर्स है यहाँ पे, पेपर में रिवर्स नहीं पूछते, रिवर्स का ओरिजिन पूछते हैं, वो मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया भुवनेश लिखोगे यूट्यूब पे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने हर एक रिवर का कहां से शुरुआत हो रही है, कहां अंत हो रहा है, कौन से किसके ऊपर डैम बना हुआ है, ये सब है जो कि मैंने बता रखा है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, रामगंगा डैम भी है यहाँ पे और आपके तीरी डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दशहरा, जोरा, चोलिया, ये सारे कुछ फोक डांसेस है जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फोक डांसेस ये देखिए, नेशनल पार्क की बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, देश का पहला नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। मस्क डियर है जो कि यहाँ का स्टेट का एनिमल भी है, कमल है जो कि यहाँ पे फ्लावर स्टेट का, ठीक है चलिए। और लेक सिटी दोस्तों किसको बोलते हैं? नैनीताल को लेक सिटी बोलते हैं। स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया देहरादून, क्योंकि आपको मालूम है बहुत ही फेमस स्कूल दून स्कूल और ये सब देखने को मिलते हैं। कुमाऊं जाने के लिए गेटवे हल्द्वानी है और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कोसानी को बोलते हैं, मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स है जो कि कहते हैं पहाड़ों की रानी, है ना। देहरादून से जो है थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मसूरी है जो कि मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी देखने को मिलती है जो कि पेपर में पूछते हैं, है ना। बोतिया के बारे में
थारू के बारे में, जौनसारी के बारे में, ये सब ट्रैप के बारे में भी पेपर में आता है। आगे बात करते हैं जो कि चलेंगे अपने राफेल को लेकर। लास्ट ईयर दोस्तों राफेल के ऊपर बहुत हंगामा है जो कि हुआ था, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि प्रेजेंट में क्या हुआ है। प्रेजेंट में क्या हुआ है चलो बता देता हूं। देखो हुआ क्या, एक फ्रेंच जज है, उसको टास्क दी गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल 2016 मल्टी बिलियन डॉलर जो सेल हुई है राफेल फाइटर जेट की इंडिया को, उसके अंदर कितने करप्शन है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उसको लेकर दोस्तों एक फ्रेंच जज है जो कि इन्वेस्टिगेट है, जो कि करेगा, है ना। तो वापस से दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली में रिलायंस ग्रुप के जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है ना, उनके साथ में पार्टनर है जो कि डसॉल्ट एविएशन को बनाया गया था, और 7.8 बिलियन यूरो की नियर बाय कोई 59,000 करोड़ की ये डील थी, ठीक है। हालांकि इंडिया से दोस्तों हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इसको क्लीन चिट है, कैच से भी मिल गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे फ्रांस में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ हुआ है, ठीक है। पास में काफी सारे एलिगेशन है जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, मीडिया पार्ट करके इन्वेस्टिगेशन है जिसके अंदर रिवील किए गए थे कि रिलायंस ग्रुप का जो रोल है उसको लेकर यहाँ पे बताया गया था, ठीक है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और है ना 1600 करोड़ रुपए की इसकी कॉस्ट है, जो कि सुखोई 30 से 3 गुना ज्यादा है जो कि हो गई थी। बहुत ही एक्सपेंसिव एक्विजिशन है जो कि हुआ था, और एयरफोर्स, रशिया, नाटो फाइटर्स, है ना, बहुत लोग हैं जो कि इसको काम में लेते हैं। इंडिया और फ्रांस ने 36 राफेल फाइटर्स की डील है जो कि करी थी, ठीक है गाइज। आप देख सकते हैं नियर बाय 59,000 करोड़ यानी कि 60,000 करोड़ रुपए के आसपास है। राफेल वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील है जो कि इंडिया ने अभी तक साइन करी थी, एडवांस फाइटर है जो कि लिए थे। और इसके अलावा तो बात करें, खैर कुछ ज्यादा और तो इसके अंदर है नहीं, तो ये सब बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना। कुछ एक जो है वो राफेल हमारे इंडिया में अंबाला वाले कैंट में पहुंच भी चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 11। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूएस और अफगानिस्तान को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कि यूएस ने जो है फाइनली, मतलब कई सालों तक जो है वो, कई डेकेड तक जो है वो युद्ध करने के बाद में हार माननी पड़ी और अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वही बात है, लोकल लोग जो होते हैं वो गोरिल्ला वॉरफेयर और जो लोकल टैक्टिक्स अपनाते हैं जो कि बाहर के लोगों को कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के, तो 42% जो एरिया है ना वो अभी तालिबान के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में जो है यहाँ पे वो 19.8% है ना। और जिसके ऊपर अभी थोड़ा सा जो गुथा जो ये लोग हो रहे हैं, वो 37% एरिया है जहां पे अभी भी कॉन्टेस्ट है जो कि दोनों के बीच में हो रहा है। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट के साथ में कई सारे लोकल लोग जो है, लोकल जो जनता है वहां की, वो भी सपोर्ट कर रही है और वो भी इनके साथ मिल गई है, लेकिन वो ये तालिबान बहुत ही स्ट्रांग है तो इसको यहाँ पे बीट करना बहुत ही मुश्किल है। जब अमेरिका ही नहीं कर पाया तो लोकल जो आम जनता है उनके लिए तो और भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए हमारे भी दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तालिबान के लीडर से अभी मिलके आए थे कुछ टाइम पहले, क्योंकि हमें भी जो है किसी प्रकार से फालतू के टेररिज्म जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टेक होल्डर जो मेजोरिटी वाला बन चुका है ना, जो डिसीजन मेकर बन चुका है वो तालिबान बन चुका है, समझ गए। तो आप देख सकते हो अगर आप कॉस्ट ऑफ लाइफ की देखें, पिछले 20 सालों के अंदर नियर बाय 2.5 लाख लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जान है जो की गवाई है, और ठीक है 71,000 सिविलियन की मृत्यु हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान की पुलिस के अंदर 78,000 की मृत्यु हुई है। यूएस ने खुद ने, मतलब अपने 6,000 के आसपास सोल्जर है जो कि यूएसए ने खुद ने गवाए हैं, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अफगान के नेशनल मिलिट्री पुलिस अफगानिस्तान की 78,000, अपोजिशन के फाइटर की 85,000, सिविलियन 71,000 है जिनकी मृत्यु हुई है। बच्चों की बात करें तो बहुत सारे इसके अंदर बच्चे को भी मृत्यु हुई है। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी दोस्तों $2.2 trillion है ना यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक यहाँ पे खर्चा किया जा चुका है, मतलब $2.2 trillion समझ लो, 2.9 trillion की तो हमारी इकोनॉमी है, तो उससे थोड़ा ही कम पैसा है मतलब जो कि आज तक ये लगा चुका है, ठीक है। जिसमें मेजरली डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है, जो वॉर बजट है, उसके अंदर अमेरिका ने यहाँ पे पैसा है जो कि लगाया है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करें तो आप देख सकते हैं एंटी गवर्नमेंट पार्टीज, तालिबान और भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारी मृत्यु है जो की हुई है। एंटी गवर्नमेंट है, पहले बहुत ज्यादा थे, कम होते होते अभी कम हुए, फिर थोड़ा वापस बढ़ गए। प्रो गवर्नमेंट की बात करें, पहले बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, अभी ये भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे बात करें अमेरिका के लॉन्गेस्ट वॉर के बारे में बताया गया है कि अमेरिका ने सबसे लॉन्गेस्ट वॉर है जो कि कहां करी, तो 2001 से लेकर 2019 तक का यहाँ पे डेटा है जो कि बताया गया है, ओके गाइस। तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक युद्ध है जो कि अमेरिका ने किया है, और ये एरिया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइस। चलिए
ऑल राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पता लग गया होगा। ये जो 20 साल की अफगानिस्तान के अंदर जो वॉर हुई है वो बहुत $2 trillion से भी ज्यादा की कॉस्ट है जो कि अमेरिका को भुगतनी पड़ी है। और 11 सितंबर को ये लोग फाइनली विड्रॉ कर रहे हैं। 11 सितंबर दोस्तों वही दिन है जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था, तो उसी दिन को इन्होंने चूज किया है कि ये वहां से विड्रॉ कर लेंगे 11 सितंबर को ही। ठीक है गाइस, 11 सितंबर को एक दिन और भी आता है, 11 सितंबर 9/11 जिसको कहते हैं, उस दिन अपना बर्थडे भी होता है। ठीक है, तो उसी दिन है जो कि ये लोग वापस जाने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि स्पोर्ट्स को लेकर पेज नंबर 14 की बात करेंगे। मिताली राज को लेकर, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली प्लेयर मिताली राज बन चुकी है जो कि अपने इंडिया की है, और ये तीनों फॉर्मेट में बनाए गए हैं इनके द्वारा, T20, ODI और टेस्ट। अगर आप तीनों के मिलाओगे तो पहले दुनिया में 10,000 प्लस रन जो थे ना, सबसे ज्यादा जो रन थे वो किसके थे, एडवर्ड के थे, इंग्लैंड के स्कीपर है जो कि पहले हुआ करती थी, उनके रन हुआ करते थे। लेकिन अभी फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं मिताली राज ने 11 टेस्ट में 700 रन बनाए, 217 ODI में 7,300 और नियर बाय 90 T20 खेले, उसके अंदर 2300 के आसपास रन है जो कि इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनका स्कोर जो है वो काफी 10,000 से ऊपर निकल गया है और ये नंबर वन पे दुनिया में पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए मिताली राज की बात करें तो इनका करियर भी बहुत ही बड़ा रहा है। पहली बार अगर आप इनका मैच देखोगे ना, राजस्थान जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, 38 ईयर की है, ओके, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और 1999 से इनका करियर अभी तक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं नियर बाय 22 साल का इनका करियर तो ऑलरेडी हो चुका है। पहला मैच इन्होंने ODI का डेब्यू आयरलैंड के खिलाफ 1999 में किया था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे ख्याल से 99 के बाद में पैदा हुए होंगे, मतलब जब से ये क्रिकेट खेल रही है। टेस्ट में 2002 में डेब्यू किया, लास्ट टेस्ट 2021 में अभी खेला ही है, रिसेंटली ODI चल ही रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, ओके। तो काफी जबरदस्त मतलब प्लेयर है जो कि मानी जाती है। अगर इनके करियर की बात किया जाए तो मतलब हमारे जैसे सचिन तेंदुलकर इतना लंबा करियर रहा है, महिलाओं में मिताली राज का करियर है जो कि इतना बड़ा रहा है, बहुत बड़ी बात होती है 20-20 साल तक फिटनेस को मेंटेन करना। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें संडे की, तो फ्रंट पेज के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक किताब है जो कि यहाँ पे पब्लिश करी गई है, एक बायोग्राफी है जो कि गवर्नर कालराज मिश्रा, आपको मालूम है जो कि राजस्थान के गवर्नर है, उनकी दोस्तों 80th बर्थडे के ऊपर देश के राजस्थान के 27 स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर है जो कि यहाँ पे आए थे, और उनकी जो किताब है बायोग्राफी है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। नाम क्या रखा गया है, निर्मित मात्र हूं मैं, आई एम जस्ट ए मीडियम, निर्मित मात्र हूं मैं, ये किताब का नाम है जो कि दिया गया है, ओके। 19 कॉपीज के ₹70,000 के आसपास का बिल है जो कि ड्राइवर के द्वारा हैंड ओवर किया गया। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर, जनसत्ता में भी दोस्तों वो सेम डिस्कशन है। यहाँ पे आमिर खान का 15 साल बाद, ये लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे डिवोर्स हो गए, आपको मालूम है दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है बिल गेट्स, ओके, उनका भी मृत्यु हो गया था। ठीक है, पूरी तरीके से दिख रहा है ना आपको, साइड से कुछ कट तो नहीं रहा है, आई गेस न्यूज़पेपर पूरा नजर आ रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मतलब आपको मालूम है बिल गेट्स का कुछ टाइम पहले हुआ, दुनिया के इतने रिचेस्ट पर्सन थे, और उसके बाद में अभी रिसेंटली आमिर खान के साथ में भी सेम इंस्टेंस है जो कि देखने को मिला। आमिर खान दोस्तों बहुत ही खतरनाक परफेक्शनिस्ट रहे, इनकी जो पहली शादी थी वो भी 15 साल तक चली और सेकंड वाली भी 15 साल के समवेयर है जो कि चली, तो ना तो कोई लॉकडाउन के बाद परफेक्शनिस्ट बच पाए, ना कोई दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बच पाए। ठीक है, काफी लोगों की समस्या है जो कि हो गई है लॉकडाउन के अंदर। चलिए ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि दैंगू के आज के फ्रंट पेज की बात करें तो ये देखिए सेम है जो कि अभी यहाँ पे ओथ है जो कि गवर्नर के द्वारा शपथ है जो कि दिलाई गई, गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य है वहां पे, तो उनके द्वारा शपथ दिलाई गई है, आप देख सकते हैं। कारण आपको मैं बता चुका हूं, पहले 2 TS आए थे, त्रिवेंद्र सिंह को हटा के तीरथ सिंह जी बने थे, तीरथ सिंह जी को हटा के अभी ये बने। तीरथ सिंह जी की समस्या हो गई थी, 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का मेंबर बनना था लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं और मेंबर नहीं बन पाए, 4-5 महीने निकल चुके थे और अब 1 साल इलेक्शन में बचा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से अगर आपके राज्य में 1 साल बचा है इलेक्शन का तो आप वापस से बाईपोल यानी कि वापस से इलेक्शन किसी जगह पे विधानसभा का नहीं करवा सकते। हालांकि जगह एक खाली थी जहां पे एक MLA की मृत्यु हुई थी, वहां से वो खड़े हो सकते थे लेकिन वहां पे उनका जीतना बड़ा मुश्किल था, हार जाते तो और ज्यादा बेइज्जती होती। उसके अलावा कुछ MLA को बोला अपनी सीट छोड़ने के लिए तो उन्होंने भी सीट छोड़ने के लिए मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो ये वाली बात हो चुकी है। इसके अलावा राफेल डील के बारे में बात करी गई है,
यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर वाला जो एरिया है ना, वहां पे पूरे ड्रोन्स जो है वो बैन कर दिए गए। जितने भी लोगों के पास में ड्रोन्स है उनको बोला है कि भाई पुलिस स्टेशन में आके ड्रोन्स को जमा करो। और सेक्शन 144 जो सीआरपीसी के, उसके तहत दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड है जो कि एयर स्पेस है जो कि किया जा रहा है। ठीक है, आपका जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, उसके तहत ऐसा किया जा सकता है। तो मिसयूज जो ड्रोन है, जो थ्रेट होते हैं हमारे सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको मद्देनजर ऐसा किया गया है। कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कोई सर्वे कर रही है, कोई एग्रीकल्चर में काम में ले रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम में ले रही है, तो सरकार काम में ले सकती है, जनता नहीं कर सकती। ठीक है गाइस, सेकंड डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, जहां पे अभी रिसेंटली बैन किया गया। इससे पहले राजौरी के अंदर भी किया गया था उस टाइम, अभी एक दो दिन, दो चार दिन पहले। ठीक है, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक इंप्रूव हो रहा है, तालिबान ने कैप्चर कर लिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान के अंदर, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है गाइस, उसके बारे में बताया गया है और ये भी कुछ खास नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये फ्रंट पेज है आज के न्यूज़पेपर का। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पेज नंबर 4 पे एक न्यूज है, ये वाली न्यूज है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए काफी ब्यूटीफुल फोटो है, कई सारे बच्चे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं पानी के अंदर, 24 परगना, साउथ परगना के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब खुशी जो है वो इस तरीके से है, साथ खेलने में, ठीक है, इन सब चीजों के अंदर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दोस्तों उड़ीसा को लेकर। ठीक है गाइस, चलिए यूपीएससी में करंट अफेयर पूछते हैं 1.5 से 2 साल का, एग्जाम होने से 2 महीने पहले का छोड़ दो, उससे पहले के 2 साल का देख लो। चलिए आगे बात करते हैं जो कि उड़ीसा को लेकर है। यहाँ पे दोस्तों 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि बनाए जा रहे हैं ताकि वाटर का कंजर्वेशन कर सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। आपको मालूम है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि एक तो पानी नहीं है। अगर आप अपने ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि कहीं पर अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, खड्डे खोदते हो जहां पे पानी रुक सकता है, उनको बाद में काम में ले सकते हो, तो ये काफी अच्छा होता है, इससे पानी को कंजर्व करने में मदद मिलती है। जैसे कि पानी फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा, आमिर खान ही चलाते हैं, किरण राव और आमिर खान दोनों ही मिलकर चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गांवों के बीच में कंपटीशन होता है, गांव के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जहां पे पूरे साल भर का पानी इकट्ठा हो जाता है, बढ़िया खेती बाड़ी होती है, स्विमिंग पूल बन जाता है बच्चों के लिए, बहुत ही जबरदस्त है। कभी देखना यूट्यूब पे जाके पानी फाउंडेशन, महाराष्ट्र में बहुत ही तगड़ा काम है जो कि इन लोगों ने किया है, बहुत ही तगड़ा काम किया है। चलिए, तो पानी को बचाने के लिए एक तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये लोग, और क्या होता है कि जमीन के अंदर भी पानी जो है ना वो बहुत नीचे चला गया है। आपको मालूम है शहरों में तो 400 फीट जो है खड्डा खोद लो पानी का नाम नहीं मिलता। ओके, तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि 600 फीट खड्डा खोदना पड़ता है उसको रिचार्ज करने के लिए। ये यहाँ पे स्कीम है जो कि लाई गई है 114 टाउन के अंदर, 3 महीने के अंदर ऐसा किया जाएगा। बारिश का टाइम आने वाला है, थीम रखी गई है कैच द रेन, ओके, और वेयर इट फॉल्स एंड वेन इट फॉल्स। इसको 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और उसका नाम है मुक्ता। ठीक है, ये इस स्कीम का नाम है, ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना है जो कि नाम रखा गया है, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ये क्या एक्चुअली के अंदर माइग्रेंट लेबर है ना, उनके लिए ये क्या है, जॉब है एक तरीके से, समझ गए, जिसका नाम मुक्ता है जो कि यहां पे रखा गया है, मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना, मुक्त अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि माइग्रेंट के द्वारा लॉन्च है जो कि किया गया है। मुक्त है मतलब, ठीक है, मुक्त नाम से इसको रखा गया है। और यहाँ का जो हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 15,000 साइट है जो कि इसके लिए पता करी गई है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा कहाँ का स्कीम है, अपने उड़ीसा का स्कीम है। 1946 में कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ, 36 में स्टेट का हुआ, भुवनेश्वर कैपिटल उड़ीसा, उड़ीसा पहले नाम हुआ करता था, मौर्य एम्पायर, हर्षा, मुगल एम्पायर कई लोगों के द्वारा रूल किया गया। और सन टेम्पल है यहाँ पे, अपने कोणार्क सन टेम्पल हो गया, उदयगिरी, खंडागिरी, ये सब हिल्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रत्नागिरी मॉनेस्ट्री है। ठीक है, और आपको और ठीक अपना जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, ये सारे बहुत ही फेमस टेम्पल्स है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है वो 4-5 करोड़ के आसपास है, 300 किलोमीटर पर स्क्वायर लोग रहते हैं। इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे स्टेट से बॉर्डर मिलती है। रेड सॉइल और लेटराइट आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन है ना, ये सब भी आपको काफी देखने को मिलेगा, मिनरल्स बहुत मिलते हैं, मेटल्स और मिनरल्स यहाँ पे। और इसके अलावा बात करें भितरकनिका और सिमीपाल, दो दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क है, सिमीपाल यहाँ पे काफी बड़ा भी है। डैम्स की बात करें तो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर, जलापुर डैम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पटोरा डैम भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती इंपॉर्टेंट है, तो ये 3-4 डैम भी यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा अशोक ट्री यहाँ पे सेट का ट्री है, फ्लावर है, ठीक है, ट्री अशोक ट्री, बर्ड रूलर है, गणेशी लाल गवर्नर है, 30 डिस्ट्रिक्ट है, 21 विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलती है 147 और लोकसभा की देखने को मिलती है 21 सीटें, ठीक है गाइज। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो गाइज एक बार तुरंत तुरंत शेयर कर दो वीडियो को, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं एक बार सब जगह पे शेयर कर दो ताकि और बच्चे ज्वाइन कर सके। चलिए ठीक है गाइज, आज की बात करते हैं जो बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ही फेमस है और ठीक है बाकी तो कुछ ज्यादा नहीं है, आगे बात करते हैं, चलते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली गई मोहन भागवत जी के द्वारा, लिंचिंग इज अगेंस्ट हिंदुत्व और देश में सभी लोग जो है वो सेम डीएनए शेयर करते हैं, डजंट मैटर कि लोग किसकी पूजा करते हैं, है ना। बहुत टाइम बाद कोई अच्छी बात है जो कि सुनने को मिली। यहाँ पे कछुए की चाल चल रहे हैं मोदी जी, आईटी, कॉमर्स, कंप्लायंसेज कछुए के पीछे बैठा रखा है देश को, वो बताया गया यहाँ पे, तो फोटो लगाई गई है। चलिए ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं। हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था वो ये वाली न्यूज इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में बात करेंगे, हमारे जनरल मनोज नरावने जी को लेकर, ये इनॉग्रेट करने वाले इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पे दोस्तों, इटालियन टाउन एक कैसीनो है ना, वहां पर अभी रिसेंटली जो है वो विजिट के ऊपर है, अभी क्या यूके विजिट पे गए हुए, फिर 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में इटली में जो है जनरल जाने वाले हैं, तो वहां पर एक इंडियन आर्मी का मेमोरियल है जो कि वहां पे इनॉग्रेट किया जाएगा, तो उसको यही करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जो उनके हैं उनके साथ में यहाँ पे डिस्कशन है जो कि किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल है जो कि ये बन सकता है ना। इंडिया का जो यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव जो है उसके, हम देखो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज है उनके साथ में एक अच्छे कोरिलेशन चाह रहे हैं हर तरीके से, इसीलिए मतलब ये मीटिंग है जो कि करवाई जा रही है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पेज नंबर 10। यहाँ पे एक तो दोस्तों है ना, स्टडी में बताया गया कि जो सेकेंड वेव है ना उसने यंग लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिला है ना, वो तो खैर हमें पता ही है। तो चलिए ये वाली न्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली दोस्तों हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम निपुण भारत है, निपुण भारत, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, मतलब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो रीडिंग है ना बच्चे वो बहुत अच्छे तरीके से करें, समझ के किसी भी चीज को, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्लस जो आपकी मैथमेटिक्स होती है जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी आपको आनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें बच्चों में है ना, हम चाहते हैं कि क्लास 3 तक जो है वो बच्चों में आ जाए, कौन सी क्लास, क्लास 3 तक जो है वो रीडिंग और साथ में छोटे छोटे जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना न्यूमेरेसी, वो उनको आनी चाहिए। तो जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें डेडलाइन रखी गई थी कि 2025 तक हमारे बच्चों को ये दोनों चीजें जो कि सिखा देंगे, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इन्होंने अपना जो एम था उसको बढ़ा के 2026-2027 है जो कि इसको कर दिया है। सरकार का कहना है कि पेंडेमिक है, पेंडेमिक में ऐसा हुआ नहीं इसलिए, ठीक है गाइस। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं दिए गए टीचर्स को, स्कूल्स को, और जो भी पैसा यहाँ पे आएगा इसके अंदर वो भी समृद्ध शिक्षा स्कीम के तहत, जो है ना समृद्ध शिक्षा स्कीम जो है ना हमारी, उसके तहत उसके अंदर में से ही ये पैसा है जो कि इस वाली स्कीम के लिए निकाला गया है। और एक और बड़ी बात पता है क्या कि ये वाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसके अंदर भी दोस्तों 20% का जो फंड है वो पिछले साल के कंपेयर में इस साल कम हो गया है, यानी कि एजुकेशन के ऊपर जो समृद्ध शिक्षा स्कीम जो थी ना इसके तहत पैसा कम कर दिया गया, और इसमें से भी जो पैसा दिया जाएगा वो इस वाली स्कीम को जो है वो दिया जाएगा, डेडलाइन इसको बढ़ा के 2027 है जो कि कर दी गई है, ठीक है गाइस। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी जानकारी है जो कि दी गई है। जो सरकार का जो बजट था ना वो 31,000 करोड़ रुपए बजट है जो कि समृद्ध शिक्षा अभियान के तहत 2021-22 का जो है वो रखा गया था, ओके, जो कि पिछले साल के 38,000 से 20% कम था, और जब इसको रिवाइज किया गया, जब ये देखा गया कि कितना पैसा काम में लिया, तो बजट तो था 31 करोड़ का लेकिन जो सरकार ने काम में लिया वो मात्र 27,000 करोड़ था, यानी कि पैसा जो 3,000 करोड़ था बजट का वो भी इनके पास रह गया एजुकेशन में काम में ले पाया, बहुत ही
घटिया बात है कि आप एजुकेशन में पैसे को काम में ले पाए। 31,000 करोड़ बजट था, यूज किया 27,000 करोड़ और पिछले साल जो था वो 38,000 है जो कि इनका बजट हुआ करता था। तो सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट को इस काम के अंदर। साथ में उन्होंने बताया कि इसकी कॉस्टिंग 2200 से 2300 करोड़ रुपए जो कि आएगी। हर एक बच्चे की जो कॉस्ट है उसको अगर हमको इस टारगेट तक अचीव करवाना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, थर्ड क्लास का बच्चा अगर रीडिंग कर सके, बेसिक मैथमेटिक्स जान सके, तो उसके लिए हमें 500 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर जो कि खर्चा करना पड़ेगा। तो सारे देश के बच्चों की जो है 2,000-2,500 के आसपास का खर्चा है जो कि आएगा, ऐसा दोस्तों यहाँ पे डेटा के द्वारा बताया गया। ठीक है, अभी 2,000 रुपए जो है वो इसी में से निकाले जाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि पूरी गणित आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, चलिए पेज नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फिलीपींस के बारे में बात करेंगे, फिलीपींस के बारे में खैर आगे बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तालिबान ने दोस्तों कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि सीज कर लिए, कई सारे 300 आर्मी के लोग भी दोस्तों छोड़ के जो है वो तजाकिस्तान भाग चुके हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हालात है जो कि यहाँ पे हो चुकी है। और ठीक है, म्यांमार में 25 लोगों की मृत्यु हो गई क्लैश के अंदर। यहाँ पे इस वाली न्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि है दोस्तों कौन सी, चाइना को लेकर। तो चाइनीज एस्ट्रोनॉट ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया कंट्री का फर्स्ट टेंडम स्पेस वॉक ऑन संडे। कई सारे घंटों तक, मतलब 7 घंटों तक ये आउटसाइड रहे अपने स्टेशन के। आपको मालूम है इन्होंने स्टेशन बनाया है, स्पेस स्टेशन, टाइगोंग स्टेशन है इनका स्टेशन का नाम। तो 7 घंटे तक जो है इन्होंने स्पेस वॉक है जो कि अर्थ के बाहर है जो कि करी। ओके, तो चाइना का बहुत ही एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम है और है ना। इसके अलावा 3 एस्ट्रोनॉट थे जो कि कंट्री के फर्स्ट क्रू है जो कि माने जाते हैं, और लॉन्गेस्ट क्रूड मिशन भी जो है अब तक का यहाँ पे चाइना के द्वारा किया गया है। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, ये फोटो भी यहाँ पे आई है, देख सकते हो आप, ये फोटो भी है बाहर घूमते हुए। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज पे तो नहीं है। और ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है फिलीपींस को लेकर। फिलीपींस में क्या हुआ कि इनका एक प्लेन था जहां पे जो कि वहां के जो मिलिटेंट है ना उनसे लड़ने के लिए जा रहा था। अब इस वाले प्लेन के अंदर बहुत सारे आर्मी के जवान थे, बहुत सारे कुछ एयरफोर्स के लोग थे, तो इन सबकी यहाँ पे क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, सारे शहीद हो गए। तो आप 49 लोगों को रेस्क्यू किया गया C-130 एयरक्राफ्ट को। तो ये C-130 एयरक्राफ्ट जो है ना ये एक्चुअली अमेरिका के द्वारा ही फिलीपींस को जो है वो दिया गया था। ठीक है गाइस, हरकुलिस बोलते हैं इसको, C-130 हरकुलिस है, हरकुलिस है, वन ऑफ द 2X यूएस के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है। पहले यूएसए भी इनको काम में लिया करता था हरकुलिस को, लेकिन अभी इसने फिलीपींस को दिया, अभी यूएसए काम में नहीं लेता है। तो मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अमेरिका ने जो है वो फिलीपींस को दिए थे, और ये अपने कई सारे ट्रूप्स को जो है वो कई सारे मुस्लिम मिलिटेंट से लड़ने के लिए जो है लेके जा रहे थे। ओके, जिसमें 42 सोल्जर्स की जो है यहाँ पे ऑनबोर्ड मृत्यु हो गई, 3 सिविलियन की ग्राउंड पे गिरने की वजह से मृत्यु हो गई। अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर जो कि एयरफोर्स हिस्ट्री का माना गया है। कई सारे इंजरी और कई सारे लोगों को प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी तक इसका रीजन जो है वो पता नहीं चल पाया। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कारण क्या रहा है उसके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया। देखिए, इट वाज नॉट इमीडिएटली क्लियर व्हाट कॉज द क्रैश, क्रैश किस वजह से हुआ उसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। यह देख सकते हो आप, ये फिलीपींस है और ये है इनका कैपिटल मनीला, यहीं से ये जो प्लेन है वो गया था। ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, यहाँ पे फिलीपींस सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी हो गया, ऊपर येलो सी, यहाँ पे सी ऑफ जापान, ओके, ये सेलेब्रस सी है नीचे की तरफ फिलीपींस के। बहुत सारे है ना, 10,000+ आइलैंड्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से आइलैंड्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले एरिया को लेकर दोस्तों दुनिया में बहुत लड़ाई है। ये आसपास के जितने भी कंट्री आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे चीज को लेकर लड़ते हैं जो कि साउथ चाइना सी वाला पोर्शन है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व वो देखने को मिलते हैं, और दुनिया का 30% 40% ट्रेड भी यहीं से ही देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला रूट, इसलिए चाइना भी इसके ऊपर कब्जा कर रहा है, साउथ कोरिया भी बोल रहा है, जापान भी बोल रहा है, सारे कंट्री इसके ऊपर। लेकिन मेजरली अगर एक कंट्री का नाम दिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों चाइना ने इसको काफी डोमिनेंट है जो कि कर लिया है। ठीक है, चाइना की बात मैंने आपको बताई थी किस तरीके से पूरी दुनिया ने चाइना को ह्यूमिलिएट किया था, लेकिन अब चाइना जो है बहुत तेजी से आगे हर जगह बढ़ रहा है। जनसत्ता के आज के अखबार की बात करें तो श्रीनगर में ड्रोन के उपयोग पर सख्ती, बिक्री पर रोक, ये यहां पे बता दिया गया। इसके अलावा
अभी तक 35 करोड़ लोगों को खुराक है जो कि देश में लग चुकी है। इसके अलावा तो कोई खास नहीं है। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे लू को लेकर है। आपको मालूम है जब कोल्ड हॉट सॉरी दो तरीके की विंड होती है, एक तो कोल्ड विंड होती है और एक हॉट विंड होती है। तो हमारे यहाँ पे गर्मियों के टाइम पे आपको मालूम है दोस्तों की बहुत ही गर्म गर्म हवाएं चलती है जिनको हम लोग लू है जो की कहते हैं नॉर्थ इंडिया में मेजरली। तो भारत में दोस्तों गर्मी से 50 सालों में 17,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। 17,000 से ज्यादा लोगों की जान है जो कि गर्मी की वजह से चली गई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यही बात है जो कि बताई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 50 सालों में मतलब ठीक है नियर बाय इसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 17,000 लोगों की जो मृत्यु है ना वो लू की वजह से हुई है। 12% से भी ज्यादा जो है लू एक कारण है जो कि बताया गया। देश में सबसे ज्यादा अगर बात करें कि कौन से राज्य में देखने को मिलती है गर्मी लू जिससे लोगों की मृत्यु होती है, वो है आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा। ये 3 राज्य यहाँ पे मैक्सिमम है जो कि बताए गए हैं। ठीक है गाइज, चलिए अभी आपको मालूम है कनाडा और अमेरिका के अंदर भी बहुत खतरनाक है जो कि गर्मी पड़ रही है जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। वैंकूवर ने दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 49 डिग्री सेल्सियस है जो कि वैंकूवर के अंदर टेम्परेचर है जो कि देखने को मिला। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी दोस्तों अभी तो बारिश हो गई क्या दिल्ली विल्ली में कल, अदरवाइज बहुत ही खतरनाक गर्मी है जो कि पड़ रही थी। तो ये देखिए कुछ हॉट विंड जो कि दुनिया में कहते हैं हमारे यहाँ पे लू है, वैसे यहाँ पे इजिप्ट वाले में कैम्सिन, ओके हर्मेटन वेस्ट वाले अफ्रीका फॉइन हो गया, सिरोको हो गया मोरक्को वाले एरिया में, सेंटा एना चिनूक है और यहाँ पे जोंडा है। ठीक है गाइस, तो ये जो रेड वाली है वो तो हॉट विंड है और जो ब्लू वाली है ना ये आपकी कोल्ड विंड्स है। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखिएगा, पेपर में इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं जो कि बॉर्डर को लेकर बात करेंगे। बॉर्डर पे मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे है ना, मथुरा दास के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, बॉर्डर मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं होगा, देखिए जब देश का विभाजन हुआ था ना और जहां से लाइन डाली गई थी ओके इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कई सारे किसानों की जमीन जो है वो बीच में से कट गई थी। अब इसके अंदर किसानों की तो कोई गलती नहीं है कि भाई उनकी जमीन अगर दो पार्ट में हो गई है तो सरकार को या तो मुआवजा दो या फिर जो है अलाउ करो कि भाई खेती बाड़ी हम जो है दोनों एरिया में कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, पंजाब वाले एरिया के अंदर तो ये अलाउ किया भाई कि आपके पासेस बना रखे जिसके माध्यम से आप पाकिस्तान वाले एरिया में जाके अपनी जमीन के अंदर जो है अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा राजस्थान की जो बॉर्डर है ना वहां पे दोस्तों ऐसा अलाउ नहीं था। लेकिन अपनी राजस्थान की जो बाड़मेर जिला है वहां पे भारत पाक के सीमा के पास अब किसान है जो कि खेती कर सकेंगे, उनको पास बनाया जाएगा, 8 घंटों तक किसान खेती करने के लिए उनको अवेलेबल करवा दिया गया है। और वहां पे बहुत अच्छी सर्विलेंस भी होगा, जवान भी रहेंगे और किसान अपनी खेती बाड़ी करके वहां पे वापस आ सकते हैं। ठीक है, 1992 में शुरू हुई तारबंदी के बाद हजारों किसानों की जमीन 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच में चली गई थी। ओके, पंजाब में 47 के बाद और 1992 में राजस्थान में भी चली गई थी। तो कई सारे लोगों की जमीन चली गई, उन्होंने दोस्तों बोला कि भाई जमीन वापस दो, वापस हो नहीं सकती तो उन्होंने अलाउ करवाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान की बॉर्डर गंगानगर है, उसके बाद में आपका बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया और ये बाड़मेर है। ठीक है, चलिए ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम लोग बात करेंगे। इंडियन आर्मी ने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस किया है। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे फोटो लग रही है, दिख रही होगी आपको इस तरीके से, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो आर्मी जनरल जो हमारे नरावने साहब, उन्होंने 2 जुलाई को इंडक्ट किया फर्स्ट लॉट ऑफ 12। पहला लॉट है जो कि 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम जो इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया गया है, उसका फर्स्ट लॉट है जो कि इंक्लूड किया गया है। टोटल 100 जो है ऐसे सिस्टम है जो कि इंडक्ट किए जाएंगे इंडियन आर्मी में आने वाले 100 सालों के अंदर। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। क्या होता है कि कई बार कैनाल आ गया, देखो कई बार आपको टैंक लेके जाना है, अब बीच में रिवर आ गई, बीच में कोई कैनाल आ गया तो टैंक क्या करेगा बेचारे, टैंक को हेलीकॉप्टर से तो ना उठा के रखोगे। तो हम लोग उस जगह के लिए ब्रिजिंग सिस्टम है जो कि बनाते हैं, एक छोटा सा ब्रिज बनता है और उसके ऊपर से टैंक और बाकी चीजें जो कि चली जाती है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में हमें जो है वेस्टर्न बॉर्डर वाले में काफी मदद है जो कि करता है। और ये जो सिस्टम है हमारे 500 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, एलएनटी जो है इसके ऊपर काम है जो कि कर रही है। ठीक है गाइस, चलिए है ना, तो ताट्रा नाम दिया गया इसको, ताट्रा 8x8 रेंज एंड चेसिस। चलिए ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे भी है, थोड़े बड़े भी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हम लोग बात करेंगे बैगराम एयरफील्ड को लेकर।
तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अमेरिका जो है वो अपनी वॉर छोड़ के जा रहा है, और लास्ट जो इनका एयरबेस था ना अभी वो एंडोवर है बैंगराम नाम से, जो सबसे स्ट्रांग एयरबेस माना जाता है, जो कि नाटो के हाथ में था, अमेरिका के हाथ में था, वो इसको छोड़ के जा रहा है। 11 सितंबर को ये लास्ट है जो कि खाली करेंगे। नेवर एंडिंग वॉर है जो कि तालिबान के साथ में हो गई थी। फाइनली दोस्तों इनको अपना नाम है जो कि हटाना पड़ा, ठीक है। तो बैंगराम एयरबेस जो है वो फोरफ्रंट जो यूएस वॉर का माना जाता है, और तालिबान को और उनके अलायंस को हैंड ओवर है जो कि कर दिया जाएगा, ठीक है गाइज, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल है जो कि यह सेरेमनी करवाई जाएगी। चलिए ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे टर्की को भी यहाँ पे हेल्प ली गई है, प्रोटेक्शन जो एयरपोर्ट की है ना वो टर्की और अफगानिस्तान के बीच में नेगोशिएशन करके जो है उनको अवेलेबल करवाई गई है ना। ये देखिए ये वाला एरिया काबुल के जस्ट पास में है। चलिए 1950 के अंदर ही एयरफील्ड है जो कि बनाई गई थी, उस टाइम पे डिवेंडी ईसन ओवर डीडीई है जो कि 1959 के अंदर आए थे वहां पे, ओके, तब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था मतलब उस जगह को, तो तब उस टाइम पे इसको बनाना ही बनाने की शुरुआत करने के बाद इसको दिया गया था, ठीक है, इसको यूज करने लगे। फिर 2001 के अंदर अटैक होने के बाद में यूएसए ने जो है उसको अपने एरिया में ले लिया था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे लिए न्यूज है, किसको लेकर, टेम्परेचर को लेकर। अंटार्कटिका के अंदर भी दोस्तों हाईएस्ट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस का जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, 18 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ी बात है, मतलब अंटार्कटिका के अंदर इतना पॉजिटिव में टेम्परेचर जाना बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो यूएन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जुलाई को नया रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे देखा है जो कि 18 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में देखने को मिला। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, न्यू टेम्परेचर है जो कि यहाँ पे मेजरमेंट है जो कि मेजर है जो कि किया गया, ठीक है गाइस। किसके कारण क्या रहा, हाई लार्ज प्रेशर सिस्टम जो कि फॉरेन कंडीशन की वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके वजह से टेम्परेचर जो कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए ठीक है, ये वाले एरिया में बात करी जा रही है 18 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही बड़ी बात है यार, वरना बहुत ज्यादा माइनस में रहता है, और पॉजिटिव में भी होता है ना तो बहुत ही नॉर्मल होता है 5 10 15 डिग्री के आसपास, लेकिन अभी 18 तक है जो कि यहाँ पे पहुंच गया है। चलिए आगे बात करते हैं एलन मस्क के नेटवर्क स्टारलिंक को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कि दुनिया में अभी भी 50% ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट काम में लेती है, मालूम है ना आपको, अभी भी इंटरनेट काम में लेने वाले दुनिया में कम लोग है, 50% के समवेयर ही है। तो एलन मस्क ने ये बोला कि दुनिया में बहुत जगह पे इंटरनेट की जो है सुविधा अवेलेबल ही नहीं है, वहां पे अवेलेबल करवाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी बहुत सारी लोकेशन होती है। अब जैसे आप बोलोगे कि यार मुझे तो लद्दाख के अंदर भी 5G चाहिए तो बहुत ही मुश्किल है, आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश के लास्ट गांव के अंदर चाहिए, तो ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर जो है इंटरनेट कौन अवेलेबल करवाएगा, स्टारलिंक है जो कि अवेलेबल करवाएगा। एलन मस्क के द्वारा ये इंफॉर्मेशन है जो कि दी गई, ओके गाइस, की ब्रॉडबैंड इंटरनेट एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो है पोलर रीजन के अलावा जो है ना वो सब जगह के ऊपर मतलब इंटरनेट सुविधा है जो कि अवेलेबल करवाए जाएंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को लेकर बोला गया कि 1500 सेटेलाइट है जो कि हम लोग यूज करेंगे, ओके, डजन कंट्रीज के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि हो जाएगी। और आप देख सकते हैं 5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना जहां पे ये इंटरनेट है जो कि पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां पे इंटरनेट पहले नहीं पहुंचा है। 2 डील्स ऑलरेडी मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ में साइन करी जा चुकी है, डेटा पैक हॉल्स है जो कि इसको नाम दिया गया है ना, और इसके द्वारा जो है बाकी कंपनी इंटरनेट काम में ले सकती है। करंटली 30 टेराबाइट ऑफ डेटा पर सेकेंड के हिसाब से ये मूव है जो कि करवाने वाले हैं नेटवर्क को, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, 2022 के अंदर नई सैटेलाइट है जो कि इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक है जो कि कवर करे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक है, ऑलरेडी एक स्टारशिप रॉकेट भी जो है ये लॉन्च करेंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेट जो है वो बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट है जो कि बनाया जाएगा, दिख रहा है आपको, उसको स्टार लिंक बोला गया, दिख रहा है कितने सारे छोटी छोटी सी सैटेलाइट्स है जिनसे एक पूरा लिंक है जो कि बना के पूरा अर्थ को कवर है जो कि किया जाएगा, तो बहुत ही बड़ी बात है मतलब यार, है ना, 40 गुना ज्यादा फास्टर है जो कि यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। और देखो इस तरीके से पूरा अर्थ के ऊपर नेटवर्क बिछाने की कोशिश करी जा रही है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। अर्थ के बाहर पूरी तरीके से कचरा तरीके से जो है ना सैटेलाइट आपको नजर आती है, अगर आप देखोगे ना ये फोटो देखो, ये आपको नजर आ रही होगी छोटी छोटी सी चीजें,
तो अगर आप फोटो देखोगे रियलिटी में ये पूरी सैटेलाइट से देखो चारों तरफ अर्थ की, और ये नया नेटवर्क और है जो कि इनके द्वारा बिछाया जा रहा है। आगे बात करेंगे गिद्ध को लेकर, जो वल्चर होते हैं ना उनके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स को लेकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 जो गिद्ध है वो अभी रिसेंटली बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिले, और वहां पे इनके कंजर्वेशन को लेकर भी काफी काम है जो कि किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 स्पीशीज में से वह एक स्पीशीज है जो कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया में देखने को मिलता है, वो यहीं पर भी देखने को मिला। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इंडिया में टोटल 22 में से 9 स्पीशीज जो गिद्ध के होते हैं वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं, है ना। 1972 के जो अपना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत इनको कंजर्वेशन भी प्रोटेक्शन भी दिया गया है, शेड्यूल 1 में जो है इनको डाला गया है। ठीक है, IUCN का स्टेटस की बात करें तो आप देख सकते हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर की, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये देखिए 3 तो क्रिटिकली में है, बाकी भी बाकी अलग अलग कैटेगरीज में है। चलिए आगे बात करते हैं, और बाकी तो खैर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, कंजर्वेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और ये जो अपना बिहार है ना, बिहार के अंदर इसको लेकर काफी टाइम से बातचीत भी की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो किस तरीके से, पहले 28 हुआ करते थे और अभी ये 18 के ऊपर पहुंच चुके हैं। पहले 150 हुआ करते थे, अभी 150 मिले ये वाले ओरिएंटेड व्हाइट वाले जो पहले 18 थे और अभी 150 मिले। ठीक है, पहले आप देख सकते हो 2001 के अंदर ये 18 थे और अभी 2016 में 28 देखने को मिले, तो थोड़ी सी पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ओके, इसकी वजह से इसके ऊपर काम करने को बोला जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपको मालूम है इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के अंदर देखने को मिलती है। 1994 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, मैप दिख रहा है आपको बिहार का, बस ऊपर की तरफ टॉप के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आज के दिन के इतिहास की बात करें तो आज 1789 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की थी ट्रीटी निजाम के साथ में और पेशवा पुणे टीपू सुल्तान के साथ में, और 10,000 की जो कैवलरी थी वो अटैक करवा दी गई टीपू टेरिटरी के ऊपर, अक्वायर कर लिया गया था एरिया। 1902 के अंदर स्वामी विवेकानंद दत्त जिनका नाम था, सोशल रिफॉर्मर थे, उनकी मृत्यु हुई थी मेमोरियल रॉक कन्याकुमारी के अंदर। बहुत ही ब्रिलियंट करियर रहा जो कि 39 के एज के अंदर तक इनका है जो कि रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव क्लोन्ड मैमल है जिसकी बॉर्न है जो कि 1966 में करवाया गया, डॉली नाम की एक शिप थी दोस्तों जिसको क्लोन बनाया गया था अडल्ट शिप के द्वारा। ठीक है, जिसको फर्स्ट सक्सेस है जो कि क्लोनिंग साइंस का माना जाता है, क्लोनिंग साइंस का माना जाता है। ज्यादा टाइम तक वो जी नहीं पाई थी लेकिन इस तरीके से बच्चा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 75 में केप वर्ड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगीज, तो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, पोर्चुगीज के कंट्रोल से ये आजाद हुआ था। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है, अगर आप में से कोई आपके फैमिली में फ्रेंड में जॉब कर रहा है तो उनको मोटिवेट करिएगा कि एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन 500 रुपए पर मंथ का ले और एक बच्चे को एजुकेट करने में मदद करें smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। ओके, जो भी अगर वो अर्न करते हैं उसमें से अगर एक पिज्जा की कॉस्ट पे 500 रुपए भी अगर एक बच्चे के एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया करंट अफेयर को ज्वाइन कर लेना, अगर आपको इंडिया में कोई भी प्लस कोर्स लेना है अकेडमी के ऊपर तो आप BHU10 या BHU10 जो कि यूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पे अपना गोल लिखें, जो भी आपका गोल है 30+ एग्जाम में से, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए 12-24 महीने, और BHU10 जो कि आप नीचे लगा सकते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं, आज का पहला सवाल है यहाँ पे, अंटार्कटिका में दर्ज किया गया नया अधिकतम तापमान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कितने स्वदेश निर्मित शॉर्ट स्पिन ब्रीथिंग सिस्टम को शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा COVID-19 वैक्सीन एकल खुराक वाला टीका है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है। निम्नलिखित में से किस उद्यमी ने अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरने का निर्णय लिया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं गाइस वापस से कल की क्लास में, और आज इंडिया करंट अफेयर के ऊपर एक और वीडियो है जो कि मैं देने वाला हूं, देख लीजिएगा दिन में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।